नमस्कार अर्गसर बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछि मचिनमाई। बड़ खबर आसी पहुँचुची जे कॉलेज एवं विश्वविद्यालय आसंता 11 तारीख रु खोलिब, माने 11 तारीख रु पेनल्टी सेमिस्टर बाकी थिबा परीक्षा गुड़िक करा जिबो। एने की वर्तमान बड़ खबर आसी पहुँचुची जहाँ कह जाऊँ जे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर रे जो विश्वविद्यालय गुड़िक रही कॉलेज गुड़िक रही 11 तारीख रु खोलिब। जेतेबेले 10 मास धरी एक प्रकार ठप हो जाइथिला पाठपढ़ा, आपण जानिथिबे गत काली मध्य जे स्कूल खोलिबा नै कि जहाँ खबर आसी पहुँचीला स्कूल खोल 8 तारीख रु, एवं आज खबर आसी पहुँचुची जे 11 तारीख रु विश्वविद्यालय एवं कॉलेज गुड़िक मध्य खोल 11 तारीख रु खोल समस्त कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 मार्च जाए चलो विश्वविद्यालय और कॉलेज रो पाठ पढ़ा। एने कि वर्तमान प्रेस रिलीज हो सारी 16-31 मार्च जाए वर्तमान परीक्षा बंद रहिबो, एवं 31 अप्रैल रे बाहरिबो सेमिस्टर रो परीक्षा फल। एने कि वर्तमान प्रेस रिलीज करा जाइछि, एवं सबुठो गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे जेतेबेले मार्च 2020 मार्च मासरु पूरा सब जानिथिबे शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक बंद रही तार भितर समस्तंकर संदेह सृष्टि बा समस्ते द्वंद्वर रही केबे कॉलेज खोलिबो केबे स्कूल खोलिबो पिला माने केतेबेले पाठ पढ़िबे किभली परीक्षा करा जिबो पिलांकर भाग्य भविष्यत उपरे मध्य एक प्रकार बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होता आज तार अंत घटुची। वर्तमान प्रेस रिलीज हो सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट पक्षर जे 11 तारीख रु समस्त विश्वविद्यालय एवं कॉलेज गुड़िक खोलिबो, एवं ता भितरे जे 11 तारीख रु जो पेनल्टी सेमिस्टर गुड़िक रही सेगुड़िक आरंभ हेबो, एवं जो एग्जाम गुड़िक रही जाइथिला होल्डिंग एग्जामिनेशन सेगुड़ाक 16 तारीख रु आरंभ हेबो, एवं 30 तारीख रे बा अप्रैल 30 तारीख रे समस्त फलाफल प्रकाश पाइबो। एने कि वर्तमान हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पक्षर मध्य प्रेस रिलीज जारी होउछि। तबे संपर्कित पूरा तथ्य पे आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती जोड़ी होती। दिव्य आउ कौन आस्य देखो तीन मैं निश्चित भाव में गत काली गणशिक्षा विभाग पक्ष जो स्कूल खोलिया विज्ञप्ति प्रकाश पाया पर वर्तमान उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज और यूनिवर्सिटी गुड़ी रही सेगुड़ी खोलिया गोटे विज्ञप्ति प्रकाश करते कौन कौन कटक रही एसओपी को प्रकाश कराई आप संपूर्ण भाव से एसओपी को देखिए जो थे कहुची जे पिला माने जो छात्र छात्री मैंने आसबे से भितर 6 फुट दूरता रही है जिते से बसबे जो सीट रे अंत 6 फुट दूरता रही है ता सहित फेस कवर हो फेस मास्क हो पिंधा बाध्यतामूलक रही कॉलेज कैंपस कौन कहवा छेप पक ना पान छेप हो गुटा छेप गुड़ा पकई पारे ना से गुडा बंद करषेध कराई सहित कहुई हस्टेल गुड़िक खोल 11 तारीख रु हस्टेल गुड़िक खोला तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे ट्राक को फेरुच्च विशेष कर देखिए केन्द्र सरकार जो अनलॉक 5 गाइडलाइन थी से जो भाव 2 मास पूर्व प्रत्येक राज्य शिक्षा व्यवस्था ट्राक फेरवाई केन्द्र सरकार सब राज्य को परामर्श देते कि राज्य सरकार जेपर्यंत गोटे निष्पत्ति नहीं पार ना राज्य सरकार उपर गोटे निष्पत्ति अटकी विलंब हेले आज जहाँ उच्च शिक्षा विभाग विज्ञप्ति अच्छी 11 तारीख ठू समस्त कॉलेज और विश्वविद्यालय गुट खोल एमफिल कथा कहवा कि देखिए पीएचडी कोर्स कथा कहवा सबूर जो गोटे बाधा उपजाला कोरोना कटक भितर जो सब परीक्षा हो पाना पुणी परीक्षा होने पिने पढ़े से नहीं विधि विज्ञप्ति प्रकाश कराई है और एसओपी को स्ट्रिक्टली मानवाप कहुई ता सहित पूरा नजर रखिए सरकार किभ भाव में पिलाने जो एसओपी पालन करभि भाव में जो प्रिंसिपाल मैंने अच्छा जो अभिभावक मैंने पिला पठा से भाव में प्रिपेयर अच्छा तापर पूरा नजर रखिए कमिटी गठन कर पूरा कॉलेज कमिटी यहाँ नजर रखिए कौन जगार जो गाइडलाइन रही जो कौन लोक अनुपालन करेंगे समस्त नजर रखिए निश्चित भाव में दिव्य किंतु आउ गोटे प्रश्न आसूची बास्तव भाव में जिते आप जानते पूरा वर्षक सारा पिलाने पाठ पढ़ती शेष में परीक्षा दिखती किंतु ये जो अल्प स्वल्प समय रही से स्वल्प समय भितर कि भाव में प्रस्तुत होते एने एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि हो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था रही ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था भितर जहाँ आज गाइडलाइन रही नोटिफिकेशन प्रकाश पाई उच्च शिक्षा विभाग पक्ष बताई 25% सिलेबस वर्तमान सुधा पढ़ा जा सारी आउ 75% सिलेबस रही वर्तमान पिला पाठ पढ़ा ता सहित आप जानते यहाँ भितर सरकार गत काली निष्पत्ति नहीं स्कूल गुड़िक शनिवार रविवार पाठ पढ़ा जारी रवल देखिए अगस्ट सरी जानुरी 26 हो उत्कल दिवस हो ये किसी डे को बंद करा किंतु आउ समस्त दिन में स्कूल खोल रही कॉलेज समान नियम को अनुपालन कराऊ कॉलेज को शनिवार रविवार खोल जाव जिते बड़े जानुरी 26 कथा कहवा किंवा
देखिए आप उत्कल दिवस यही किसी निर्दिष्ट दिन में से सब कार्य को बंद करज विश्वविद्यालय को संपूर्ण बंद कर पाई बर्तमान गोटे टैक्स देते सरकार बहुत कम दिन रही बहुत कम दिन भितर पे पाठ पढ़े परीक्षा देते पुणे थे शिक्षा व्यवस्था ट्राक फेर जो चलते शिक्षा वर्ष गोटे प्रकार धीमे जाइए गोटे प्रकार ट्राक रू दूरे जाइए ट्राक को आने पर व्यवस्था कराई से समस्त किसी ना कि दायित्व रही शिक्षक मानक हो छात्री मानक हो समस्त दायित्व रही कि भाव में निज कर्तव्य अनुपालन करेंगे जो कोरोना कटक रही अनुपालन करेंगे और किभ कोरोना ठू दूरे रही है से दिग्वे सचेतन हमारे आवश्यक रही शिक्षाविद रघुनाथ पंडा जोड़ी होती श्रीजुक्त पंडा आपको स्वागत जनइबि बर्तमान जो खबर आँचुची जे बर्तमान उच्चशिक्षा विभाग पक्षर जो विज्ञप्ति प्रकाश पाँच से संपूर्ण भाव उल्लेख कराई आसंता एगार तारीख रु समस्त विश्वविद्यालय और कलेज गुड़िक खोल कौटि ना कौटि कहीपर जो दस मास पर बर्तमान शिक्षा व्यवस्था ट्राक को फेर कि बहुत दिन है बंद होता पे गोटे हतछा गोटे विश्वास नाला कलेज खोल क्लास हम जेहेतु सरकार ये पदक्षेप नहीं हायर एजुकेशन नहीं निश्चित भाव गोटे पदक्षेप स्वागत पदक्षेप कह तेबे जो भली भाव में जानी बास्तविक भाव में बर्तमान जदिओ कोविड 19 रो सिचुएशन धीरे धीरे सुधरबार लगला कि नुआ स्ट्रेन कथा कहला यार भितर बर्तमान शीत बा विंटर सीजन चली समय जदि स्कूल कॉलेज गुड़िक खोल जाए बास्तविक भाव में पिलाने जो एसओपी रही पालन करें कि कौन व्यतिक्रम घटे हुए तो परिस्थित कि अड़ायत हो कि हाँ निश्चित भाव तो गोटे भय रन मनरे अभिभावक मान मनरे जे कॉलेज खोलिले काला के किसी गोटे संक्रमण आघात आसी पारे बोली किंतु तो बर्तमान आमको करोना सहित बचा को पड़ो किंतु सब सरकारी अनुष्ठान मान उत्तरदायित्व बढ़ो सरकार भी उत्तरदायित्व बढ़ो जो जो अंचल आम महाविद्यालय मान अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छी सेठ जे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अच्छा लोकल अथॉरिटी सब अच्छा से मैंने आपको डायरेक्ट सुपरविजन रखा पड़ो देखु पाने नौ मस है जहा तार घर अच्छा हटात आसिक कलेज पहुंचे हस्टेल पहुंचे भितर संगरोधटा नई पारे एणु अनुष्ठान मान अध्यापक अध्यापिका अच्छा से मैंने जदि अध्यक्ष अच्छा डायरेक्ट सुपरविजन न रखिए ताल तो निश्चित भाव आपन जरा भावुंत संक्रमित हो पारे न हो बोली किसी कथा ना किंतु जेहेतु सबुआड़े खोलला सब खोलीगला पाने बर्तन नकले आरीक्षा तो रोकसी नियम भितर पाठ पढ़ा गुरुत्व दिजा कि श्रीजुक्त पंडा जो कथा कह बास्तविक भाव जे वर्तमान सुधा 25% पाठ पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम रे आहुरी 75% बाकी रही जाइछि एवं परीक्षा जो निकटतर अच्छी पाई यह गोटे बड़ संकट हम कि निश्चित भाव से आप संपूर्ण एकमत रही जो ऑनलाइन क्लास भी होती से ऑनलाइन क्लास टा भी एत सैटिस्फाइड होनी कहीं सब अंचल तो पाखरे पहुंची पारिनी आमे तो आप माने आप बहुत थर से देखते पाने केमती बाहर आसिकी गच्छे पहाड़ उपर ठिया क्लास करपूर्ण भाव पाने क्लास 25% सिलेबस सरी बोली कहते से 25% भी समस्त पाखे पहुंची एणु आम बर्तमान जो कॉलेज खोल से अध्यापक अध्यापिका जो मैंने अच्छा पुनर्वार से पाठ को आरंभ रु पढ़े पड़ो आउ जो परीक्षा अच्छी सिस्टम सेमिस्टर परीक्षा अच्छी ता अनुसार सब तो सिलेबस सरी पारिबनी लिमिटेड सिलेबस पिलामानंकु दे सेथिरु परीक्षा जदि आमे करि परिबा ताहाले पिलामाने उपकृत हे बोली मु भाबुछि। श्रीजुक्त पंडा परवर्ती समय आपन पाखु फेरिबि किंतु पुंतरे आमे सते जोडी होचंती प्रदीप परमाणिक करियर कंसल्टेंट श्रीजुक्त प्रदीप आपनकु स्वागत जणाइबि एवं प्रदीप बाबू जानबा गुचाइबा जे वास्तविक भाव में बर्तमान जितेबाला स्कूल विश्वविद्यालय गुड़िक कलेज गुड़िक खोलीगला जो कथा कह जाए आम जमी आलोचना करूँ आम सहित शिक्षावित जोड़ी होते जो कथा कह 25% बर्तमान सुधा पाठ पढ़ाई आहरी 75% पाठ पढ़ा होनी ता भितर जितेबाला निकटतर होग्जाम पाने कोटि ना कोटि संकट में पड़े। नमस्कार ये जे वर्ष 2020 जे गला
ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମାନେ ଏଇଟା କହିବା ନ କହିଲେ ଚଳିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବେଦର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଗଲେ ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଲା ସେଥିରେ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ନେଇ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇ ବହୁତ ଭଳି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ମୋ ମତରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଡେରି କଲେ ପୁରା ସେସନ୍ଟା ହାତକୁ ଯିବ ପିଲା ଆଉ ଏପଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିବିଏସ୍ଇର ପରୀକ୍ଷାର ଡେଟ୍ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ଯଦି ଏବେ ଯେ ତିନି ଚାରି ମାସ ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏମିତି ବି ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି କି 30% ପାଖାପାଖି କୋର୍ସରେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସିଲେବସ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ପଢିଛନ୍ତି କିଛିଟା ତ ଥିବ ସେ ତାର ପାଖକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସୁପରଫିସିଆଲି ତାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ସିଲେବସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ କଭର କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଯଦି ଜାଣିବେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ 30% ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସିଲାବସ୍ରୁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କମାଇ ଦିଆଯାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣିପାରେ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପଛ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲା ବା ପୂର୍ବ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ହୁଏତ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବା 100% ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେତେବେଳେ 70% ଜାଣିଥିବେ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଯିବ। ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। କେତେ ରିସ୍କ ନେଇଥାନ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପଣ କହିଲେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ସବୁଥିରେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହଁ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ସେ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ଯେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ନେବା କଥା ୟାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖିବା କଥା ମୋ ମତରେ। ଆଉ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଏକଟୁ ମାନେ ଅନପ୍ରିସିଡେଣ୍ଟ ଇୟର ରହିଲା ତାକୁ ଆଉ ତ କିଛି କହିହେବନି କି କରିହେବନି। ଯେତେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁରେ ଆଉ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଭରେଜ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ସମୟ ହାତରେ ଅଛି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେବର କରିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବାସ୍ତବିକ କେବେ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ତା ଭିତରେ ଆଜି ଏକ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁଛି ବା ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି 8 ତାରିଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲୁଛି ଆଜି ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ 11 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସମୟ ସରିଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।